रांची फैसलाबाद के कैंट स्टेशन है ना, कई गुना अच्छा है कैंट स्टेशन ये वाला। ये देखो चेक करो कैसा बनाया हुआ। और ये है लाहौर का रेलवे स्टेशन, देख रहे हो कैसा वीआईपी बनाया हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं। ये अभी कुर्सी में बैठा हूँ और अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ जाते हैं। तो ये लाहौर है हमारा। हमला जी बैक इन अदर व्लॉग। तो यार आज हमारा आखिरी दिन है गुजरांवाला में और आज मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ कराची। तो ये कि यहाँ से तो कराची की गाड़ी जाती नहीं है कोई, तो ये कि अभी लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर से सीधा फिर कराची की जाऊँ गाड़ी में। तो खैर एनीवे वेलकम बैक हो गया तुम्हारा इन अदर व्लॉग के अंदर। लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। अभी निकलते हैं और देखते हैं। चलो यार बहुत मज़ा आया यार घूम फिर के ना, यकीन करो बहुत मज़ा आया। चलो अभी निकलते हैं। A few moments later. चलो यार निकलते हैं यार अभी। जरा वाले से अभी लाहौर आ गए थे और ये इस वाली गाड़ी के अंदर आया। तो रास्ते में मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाया क्योंकि मेरी सीट दूसरी तरफ थी। तो ये कि अभी टाइम तो 1 घंटा रह गया मेरी जो ना टिकट हुई भी है जो ट्रेन की, तो 1 घंटा रह गया। अभी निकलता हूँ उसका, यहाँ से पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन जाता हूँ और टाइम बहुत कम रह गया। तो अभी यहाँ से रिक्शा पकड़ता हूँ फिर निकलता हूँ। ये अभी कुर्सी में बैठा हूँ और अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ जाते हैं। तो ये लाहौर है हमारा। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, पहले आया था तकरीबन 10 साल पहले। रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ और ये है लाहौर का रेलवे स्टेशन, देख रहे हो कैसा वीआईपी बनाया हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं। कराची फैसलाबाद के कैंट स्टेशन है ना, कई गुना अच्छा है कैंट स्टेशन ये वाला। ये देखो चेक करो कैसा बनाया हुआ। फुल पंखे वंखे चल रहे हैं वहाँ पे, कहीं पे भी पंखा वगैरह नहीं चल रहा होता। यहाँ पे सबसे बेस्ट बनाया हुआ इन लोगों ने ना कैंट स्टेशन। वाकई यार यहाँ का बनाया हुआ कैंट स्टेशन इन लोगों ने ना लाहौर में, ना धूप की टेंशन है ना कोई गर्मी है, यहाँ पे पंखे वगैरह सब चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन बनाया हुआ इन लोगों ने। तो फिर अभी भाई तो आने में ना ट्रेन को तकरीबन आधा घंटा है, जब तक इधर ही घूमता हूँ, ट्रेन आती है फिर निकलता हूँ सीधा। 2000 years later. स्टेशन लाहौर का कराची फैसलाबाद से अच्छा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह है, वजह ये बताता हूँ मैं तुम्हारे को। ये देखो चार्ज पे लगाने के लिए बोर्ड दिया हुआ इन लोगों ने, पानी पीने के लिए कूलर लगाया हुआ इन लोगों ने, और बैठने के लिए कुर्सी है और ऊपर पंखे लगाए हुए हैं सारे। तो है या नहीं है वीआईपी मॉल, और ये इस तरफ है धूप आगे की तरफ ना, तो वेटिंग एरिया ये है और वहाँ पे आगे वेटिंग रूम भी बने हुए। तो इस वजह से जो है ना हर तरफ से ये अच्छा है। तो कहीं पे भी जाओ ऐसी धूप के नीचे ऐसे बैठना पड़ता है, जैसे वो आगे देख रहे हो बैठे हुए वैसे बैठना पड़ता है। ये कैंट स्टेशन इतना वीआईपी बनाया हुआ इन लोगों ने कि सुकून से जो है ना बंदा जाए आए जहाँ पर भी जाए। पंखे लगाए हुए इन लोगों ने यार, बहुत अच्छा है। और ये कि अभी तकरीबन 5-10 मिनट रह गए, आती है ट्रेन तो फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ये अभी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी जैसी आती है उसके बाद निकलते हैं भाई। यहाँ पर तो फिर प्रोटोकॉल चल रहा है, बड़ा वीआईपी मॉल है आज, सब बड़ा वीआईपी हो गया। तो भाई फुल शूटिंग वूटिंग भी चल रही है और ये लोग आए हैं वीडियो वगैरह बना रहे हैं, ये इस तरीके से वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और ये कि गाड़ी आती है, गाड़ी जैसे ही आती है उसके बाद निकलते हैं। जिधर बहुत टाइम हो गया यार, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया खड़े हुए, अभी आएगी तो फिर निकले। तकरीबन आधा 1.25 घंटा इंतज़ार किया, अभी जाके गाड़ी आई है और अभी आई है और अब निकलता हूँ, अंदर बैठते हैं, अंदर देखते हैं क्या सीन है। फाइनली स्टार्ट तो हुई गाड़ी, अभी जा रहे हैं रास्ते में। तो ये कि अभी निकली है, 10-15 मिनट खड़ी रही है, अभी जा रही है। अभी अभी गाड़ी यहाँ पे रुकी है खाने वाले में ना, तो यहाँ पे खाने वाने के लिए रुकी है। तकरीबन 8 का टाइम हो रहा है, तो अभी जिस जिसको खाना खाना है जो भी खाना है उतर के खा ले, और गाड़ी के अंदर भी लोग आते हैं खाना वाना देने के लिए।
तो जिसको जो मुनासिब लगे वो वैसा खा सकता है। तो अभी खाना वाना खाया है, खाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलो अभी तो 8 बजे हैं, सुबह 12 बजे तक के तकरीबन पहुँचेगी गाड़ी। चलो अभी इंतज़ार करते हैं, 5-10 मिनट बाद निकलेगी यहाँ से गाड़ी। फाइनली 20 घंटे के बाद अभी उतारा है। इतनी स्लो चलती है, हर जगह पे रुकती रहती है यार, हर जगह रुकी रहती है। 20 घंटे हो गए, कल 4 बजे बैठा था और अभी तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, अभी उतारा है इसने। बहुत स्लो चलती है यार। जब भी आओ बिज़नेस क्लास में आना, मैं तो लोकल गाड़ी में आया हूँ, जब भी आओ बिज़नेस में आना। उसकी थोड़ी टिकट महंगी है लेकिन ये है कि सुकून से आएगा बंदा उसमें। फिर अभी निकलता हूँ, बाइकिया बुलाता हूँ, बाइकिया मैंने बुलाया और उसके बाद निकलता हूँ, बाइकिया जैसे ही आएगी। A few moments later. तो फाइनली बाइकिया आ गई है और अभी जा रहा हूँ मैं घर, और ये भाई आ गए लेने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ घर। बाइकिया ने यहाँ पे उतारा है, ये भाई खड़े में इन्होंने यहाँ पे उतार दिया, और अभी मैं जाऊँगा ग्रीन बस पे वहाँ से, तो उसके बाद सीधा घर निकलते हैं। चलो बस भी आ गई और अभी निकलता हूँ मैं सीधा बस पे। अभी उतरा हूँ और अभी रश्का यहाँ से पकड़ते हैं नीचे से चिंची, और उसके बाद सीधा घर निकलते हैं। तो यहाँ से नीचे से रश्का पकड़ के फिर निकलता हूँ घर। घर पे अभी आ गया था मैं, अभी तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है, अभी अभी पहुँचा हूँ। तो खैर एनीवे यार, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। अभी सीन ये है कि यार 20 घंटे ट्रेन के अंदर बैठ के आना बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत हालत टाइट हो गई 20 घंटे अंदर बैठ के आया। तो खैर यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।